हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी कानपुर चिड़ियाघर देखने आए हुए हैं, लेकिन यहां पर पहुंचने पर ये पता चला कि आज चिड़ियाघर में टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जहां पर आए हुए हैं इस समय लगभग शाम 4 बज रहा है। यहां पर सपा के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए हुए हैं तथा उनके साथ में उनके कार्यकर्ता तथा पुलिस प्रशासन के बल भी होने के कारण आज टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब हम उस जगह चलते हैं, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं। अब आगे हम चल रहे हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर देखिए सारे काउंटर बंद हैं, टिकट किसी को नहीं दिया जा रहा है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि टिकट मिले तो हम भी अंदर चिड़ियाघर देखने चलें, लेकिन यहाँ पर किसी को भी टिकट ना मिलने के कारण लोग यहाँ पर बैठे हुए अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए हुए हैं और उनके साथ में आरिफ, ये देखिए पीएससी बल तैनात है यहाँ पर। आरिफ का जो सारस पक्षी है कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया है, उसी सारस पक्षी को देखने हुए आए हुए हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, साथ ही साथ सपा के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चिड़ियाघर से माननीय श्री अखिलेश यादव जी निकले, हम भी उसी पास में खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए सामने पीएससी के जवान तैनात हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सारस पक्षी जो आया हुआ है उसको देखने के लिए काफ़ी लोगों का आवागमन है। अब देखिए चिड़ियाघर से माननीय श्री अखिलेश यादव जी का काफिला निकल चुका है, आगे पुलिस प्रशासन तथा कुछ मीडिया की गाड़ी आगे आगे जा रही हैं तथा पीछे श्री अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। ये देखिए जो ये गाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इसी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी तथा आरिफ जिसका सारस पक्षी है इसी गाड़ी में मौजूद हैं। आगे देखिए लोगों की भीड़ एकत्र है, यहाँ पर देखिए माला को पहनाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अब यहाँ से काफिला निकल गया है, देखिए कितनी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त हुआ कि जो सारस पक्षी है उसको अभी क्वारंटीन में रखा गया है 15 दिन के लिए, जिससे अभी सारस पक्षी से मुलाकात नहीं हो पाया। CCTV कैमरे के माध्यम से उस सारस पक्षी को दिखाया गया। आरिफ काफ़ी इंतज़ार में थे लेकिन उनको नहीं मिला गया। 15 दिन बाद जब आरिफ आएंगे तो उनको सारस पक्षी से मिलाया जाएगा। ये देखिए गेट है, गेट के माध्यम से सब गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।